तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब खबर जमशेदपुर से देखते हैं। जमशेदपुर एसडीओ नीतीश कुमार और सोनारी थाना एसआई के बीच सड़क पर भिड़ंत हो गई। विवाद शुरू हुआ मास्क पहनने को लेकर। दरअसल एएसआई ने मास्क नहीं पहना था, जिस पर एसडीओ ने उन्हें वहीं रोक दिया। पूरे मामले को लेकर दोनों में काफी देर तक बहस होती रही, जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंचे साक्षी थाना प्रभारी ने मामले को शांत कराया। तत्काल एएसआई को एसएसपी ने सस्पेंड भी कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर की सड़क पर एसडीओ वर्सेस एएसआई, मास्क को लेकर विवाद। जमशेदपुर में एसडीओ नीतीश कुमार सड़क पर मास्क चेकिंग करवा रहे थे, उसी दौरान साक्षी थाने में तैनात एएसआई वहां से गुजरे। चेहरे पर मास्क नहीं था, एसडीओ ने रोक दिया। एएसआई ने बताया कि मैं पुलिस वाला हूं, मास्क लगा लेता हूं साहब, पर एसडीओ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। आई कार्ड मांग लिया, मोबाइल में फोटो ले ली। एएसआई बोले, हुजूर पुलिस वालों को तो प्रताड़ित मत कीजिए, एसडीओ साहब की भौहें चढ़ गई। प्रताड़ित किया बोला कैसे, हमने तो सिर्फ नियम पालन करवाया। क्या गलती किया, क्या गलती किया, हमको रोका गया, मेरा क्या गलती है, मेरा मास्क लगा हुआ है, मेरा आईडी प्रूफ है, हर चीज से हम संतुष्ट है, फोटो कॉपी कराएंगे, कोर्ट से आए, मेरा क्या गलती जी बता दीजिए। आप क्या बोला जा रहा था उनके द्वारा, आप आदमी बोल रहे हैं, आप आदमी नहीं पहचानते हैं, हम किसको एक क्या है नहीं, हम पहचान रहे किसी को जी। हम पुलिस वाले हैं, आईडी प्रूफ दिए, मेरा मास्क है, जो सरकार का नियम है, हम ये लेकर के हम अप टू डेट है। एसडीओ ने एसआई की शिकायत एसएसपी से की, एसएसपी ने भी जांच कर एसआई को सस्पेंड करने का आदेश दिया। खैर जो भी हुआ, पर तमाशा जोरदार हुआ। जमशेदपुर से न्यूज 11 भारत के लिए मनोज की रिपोर्ट। और अब हम आपको जमशेदपुर का रुख करते हैं। जमशेदपुर से मनोज हमारे साथ हैं, सीधा रुख करते हैं मनोज का। मनोज, तस्वीर बड़ी अजीब सी रही होगी जमशेदपुर में उस वक्त, जब एसडीओ और एएसआई, एसडीओ डांट रहे होंगे और एएसआई उन पलटकर जवाब दे रहे होंगे। क्या नजारा था उस वक्त, मतलब मामला हुआ क्या था असल में? देखिए, कोरोना को रोकथाम और लोगों को स्वास्थ्य को लेकर जांच, कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है और तमाम जो जिला प्रशासन हैं इस पे प्रयास में लगे हुए हैं। और साक्षी के शीतला मंदिर के पास जब ये एसडीओ खुद कोरोना जांच के अभियान का जो कैंप लगा हुआ था वहाँ गए थे, तो वहाँ एएसआई जो हैं सिविल ड्रेस में पहुँचे और मास्क नहीं पहने हुए थे। तो मास्क नहीं पहने हुए थे तो एसडीओ ने इतना कहा कि साहब आप मास्क क्यों नहीं पहने हुए हैं, तो वो एसडीओ से भिड़ गया और वो कहने लगा कि आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले कि मास्क क्यों नहीं पहने हैं, तो बताए। तो तब तक साक्षी थाना प्रभारी वहाँ पर आ गए और उनको बताया कि एसडीओ हैं, तो ये चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह एसडीओ हैं कि क्या हैं, और अपना वो जो बर्ताव है वो करते रहा। इसके बाद दोनों में तू तू में मैं काफ़ी देर हुआ और ये जो नज़ारा पूरा सरेआम आम लोगों तक पहुँच देखने को मिला, आम लोग भी काफ़ी हैरत पड़ गए कि एसडीओ एएसआई सड़क पर तूतू में कर रहे हैं। हालांकि बाद में उसका जो एएसआई है उनका आई कार्ड लिया गया है और उसको उनका शिकायत एसएसपी से किया गया है। अब एसएसपी उस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है और सस्पेंड करने का भी आश्वासन दिया है। अब लेकिन इस दौरान देखा जाए भारतीय तो काफ़ी हैरत में पड़ गए लोग कि एक एसडीओ और एक एएसआई आपस में भिड़ गए और ये चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था एएसआई कि वो एसडीओ हैं। हालांकि साक्षी थाना प्रभारी उनको बताया, कई बार उनको बोला कि एसडीओ है साहब हैं और उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करें, लेकिन वो चीज़ को मानने के लिए वो उनका कहना था कि मेरा कोई इसमें कोई गलती ही नहीं है। अब गलती नहीं है, इसी बीच इसी को लेकर दोनों में तू तू में हो गया। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और एसडीओ साहब बोल रहे थे कि आपने गलती किया है। तो ये चीज़ को लेकर काफ़ी देखा जाए तो वहाँ पर जो माहौल है काफ़ी देर तक अफरा तफरी जैसा भी देखने को मिला। लोग हैरत भी पड़ गए कि एसडीओ एएसआई
आपस में तुतुम में कर रहे हैं। तो ये सब नजारा देखने को आज मिला है भारती, और कह सकते हैं इस मामले में जो सुनारी थाना के एसआई हैं उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है और सस्पेंड करने का भी आश्वासन एसएसपी द्वारा दिया गया है। अब देखना है कि उनको क्या कुछ एसएसपी साहब करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए मनोज बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि असल में हुआ क्या था वो आपने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया कि उस समय की तस्वीर जो क्या थी वो आपने अपने शब्दों में बयां कर दी। तो मनोज जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर बवाल हुआ, एएसआई भिड़ गए एसडीओ से, एसडीओ ने साफ साफ मैसेज दिया कि नियम सबके लिए बराबर है।